सामान लेकर के रेलवे स्टेशन में पहुंच गए, मैनपुरी जंक्शन पर पहुंच गए। मंगलवार का दिन रहे, जब मंगलवार का दिन रहे तो हम सब लोग वहीं खड़े। उधर से टूरला की तरफ से ट्रेन आ गई, तो ट्रेन में क्या देखा भैया, बहुत भीड़ है, क्योंकि मंगलवार के दिन अधिकांश भीड़ ही रहती है। तो मैंने देखा कि ट्रेन में बहुत भीड़, हमारे पास में एक सज्जन खड़े रहे, बड़े सूट बूट में, थोड़ी शांति बना रखो भैया, थोड़ी शांति बना रखो। तो हमारे पास में सज्जन खड़े हो गए, बड़े सूट बूट में रहे, बोले कहाँ जा रहे भैया, हमने की फरुखाबाद जा रहे, बोले फरुखाबाद तक हम भी चल रहे, हमने की चलो। जब देखा है कि ट्रेन में इतनी भीड़ है भैया, अब बैठोगे कहाँ, बोले की भैया मुझे क्या है, फरुखाबाद तक पहुंच जाए, खड़े खड़े पहुंच जाएंगे। तो बोले खड़े होकर के हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे कपड़ों की प्रेस बिगड़ जाएगी। सज्जन हमसे बोले हमारे कपड़ों की प्रेस बिगड़ जाएगी। तो हमने कही भैया कोई उपाय हो तो बताओ, बोले उपाय तो है, हमने क्या है, बोले हमारा सूटकेस जो है अपने हाथों में पकड़ो, हमने पकड़ लिया। बोले थोड़ी देर तुम यही खड़े रहो, हम अभी गए मार्केट, अभी आए तुम। हमने कही भैया कहीं ट्रेन निकल गई तो, बोले 5 मिनट की बात है। तो वो सज्जन बाद से भागे और मार्केट से नकली सिर्फ ले आए। जब नकली सिर्फ मार्केट से ले आए सज्जन, तो हमने कही भैया तुम लेके कुछ नहीं आए, बोले देखो तो हम लेके क्या आए। सज्जन सबसे पीछे वाले डब्बे में चढ़ गए जाके और बोले तुम यहीं खड़े हो जाओ, देखो अभी 5 मिनट का डब्बा कैसे खाली होता है। तो भैया हम खड़े हो गए, सज्जन सबसे पीछे वाले डब्बे में घुस गए। अंदर में जब पहुंच जाते हैं सज्जन बीच डब्बा में, तो नकली सिर्फ जेब से निकाला और बीच सीट पर फेंक दिया और तेजी से आवाज लगाई, भैया इस डब्बे में सर्प है। भैया सर्प को जैसे ही नाम सुनो, 5 मिनट तक मैं डब्बा पूरा खाली होगा, है चलांगे है। जब डब्बा पूरा खाली होगा भैया, तब कहा वो अब अंदर से ही बोले खड़े खड़े देख क्या रहे हो, अपना सामान उठा के लाओ अंदर बैठो। हमने भी भैया ये इंसान बड़ा चालाक है, कितना बुद्धिमान है, इसने 5 मिनट में डब्बा पूरा खाली कर दिया, अपना सामान लेकर के चले गए भैया। उसी डब्बे में सब लोग बैठ गए। अब सज्जन बोले बैठो नहीं और लेटो, क्यों डब्बा पूरा खाली है। अब भैया सब जितने भी यात्री उस डब्बा में थे सब भयभीत होकर के बाहर निकले। तो रेल कर्मचारियों ने ये सुना कि सबसे पीछे वाले डब्बे में सर्प है, हम नहीं जानते किसी को सर्प डस ले कोई मर जाए, तो इसलिए अब गजमत करो भैया। सही है, तो सज्जन उसी डब्बे में बैठ गए मेरे साथ में। इधर रेल कर्मचारियों ने ये सुना कि सबसे पीछे वाले डब्बे में सर्प है, हम नहीं चाहते किसी को सर्प डस ले। अब भैया रेल कर्मचारियों ने सलाह मिलाई, सलाह मिलाने के बाद वहीं पर आ जाते हैं जहां पर डब्बा खाली देखा, अंदर तो नहीं जाके जहां डब्बा का जोल्ट था, सभी रेल कर्मचारियों ने सलाह मिला करके वो जोल्ट खोल दिया। जब आधा घंटा बाद हम लोगों ने देखा, क्योंकि नींद आ गई, क्योंकि पंखा चल रहा था भैया, नींद आ गई, हम लोग सो गए। आधा घंटा बाद देखा भैया ट्रेन अभी नहीं चली। जब बाहर देखा तो क्या देखा है, ट्रेन तो वहां से चली गई, केवल धुआं धुआं दिख रहा है। तो चालाकी भी सही नहीं होती है, सब लोग बोल लो छोटा सा कीर्तन।